वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की बात की जाए तो 12.85 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक, यानी कि आज क्लोजिंग तो दिख चुका है 12.85 लेवल पे, क्योंकि पिछले ही 2 दिनों में बहुत सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। आज 30 पैसे ऊपर तेजी की है, 2.39% की रैली भी स्टॉक के अंदर देखने को मिले आज के दिन में। आज तो ओपन होकर यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ था, ओपन होकर प्रीवियस क्लोजिंग का सपोर्ट लिया और एक अच्छी तेजी से के साथ यहाँ पे ऊपर चला गया था, पर ऊपर 13 लेवल के ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाया तो फिर से गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी और यहाँ पे देख सकते प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग दे चुका था। मार्केट कैपिटलाइजेशन 756 करोड़ की है, पी रेशियो देख सकते 931 का है, जो कि बहुत ही ऊपर का पी रेशियो दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में देख सकते 9.36% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। तकरीबन देख सकते कि आज के दिन का वॉल्यूम भी देख सकते 30 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम नज़र आ चुका है यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल में। ट्रेडेड वैल्यू जो है 389 लाख की है और यहाँ पे देख सकते कि तकरीबन यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते कि तकरीबन 26 लाख में से 12 लाख जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे होल्डिंग के लिए चले गए, यानी कि डिलीवरी के लिए अगले दिन के लिए चले गए 45% क्वांटिटी। तो चार्ट के ऊपर नज़र डालोगे तो देख सकते इजीली यहाँ पे हमने कल भी लेवल मार्क की थी 12.55 लेवल, उसी लेवल का आज भी फिर सपोर्ट लिया, कल भी उसी लेवल का सपोर्ट लिया, आज भी उसी लेवल का सपोर्ट लेके तेजी दिखाई थी और ऊपर 13 लेवल पे रेजिस्टेंस लगती है, गिरावट देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो देख सकते हैं गैप डाउन से ओपन होता है तो गिरावट हो सकती है, 12 लेवल तक ऊपर सेम लेवल पे ओपन होता है तो फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के लिए।